राफेल डील पर बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस सब सीएजी के दर पर पहुंच गई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आज सीएजी से मुलाकात कर डील की फौरन जांच की मांग की। राफेल डील में अनियमितता की जांच की मांग को लेकर सीएजी दफ्तर पहुंचा कांग्रेस का ये भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल। ये बता रहा है कि राफेल मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी। राफेल जो जेट परचेज है उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, उसमें सारे नियम ताक पर रख के एक तरफा फैसला प्रधानमंत्री ने किया है जिससे एक तरफ देश की सुरक्षा से समझौता हुआ है। सीएजी से मुलाकात करके कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि डील के जरिए क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया गया, डील में भ्रष्टाचार की जांच की जाए, एक निश्चित वक्त में डील की विशेष और फॉरेंसिक जांच की जाए। कांग्रेस का कहना है कि सीएजी ने भरोसा दिया कि वो राफेल डील की जांच कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी। सीएजी ने इस बात का आश्वासन कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को दिया कि संविधान और कानून के अनुरूप वो राफेल मामले से जुड़े, राफेल सौदे से जुड़े सभी मामलों के कागज मंगाकर संपूर्ण जांच कर रहे हैं। वैसे बीजेपी जेपीसी की मांग को पहले ही ठुकरा चुकी है और जिस तरह बीजेपी नेता खुलकर राफेल डील पर कांग्रेस से दो दो हाथ कर रहे हैं उसमें लगता नहीं कि वो इस मुद्दे पर फिलहाल बैकफुट पर आएगी। जेपीसी की इंक्वायरी या सीएजी की इंक्वायरी किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता की जानकारी के अभाव के कारण नहीं की जाती है जो बार बार अपने झूठ को दोहराते हैं। बहरहाल 2019 चुनाव तक राफेल पर रस्साकशी जारी रहेगी क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए वो मोदी सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का संदेश जनता तक दे सकती है और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार इसलिए करेगी क्योंकि वो इस संदेश को किसी भी कीमत पर जनता के दिलो दिमाग में स्थापित नहीं होने देना चाहेगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।